नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने जीके ट्रिक लावा पे। आज जैसा आप थंबनेल देख रहे हो, 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? गाय या सुअर की चर्बी। तो क्या कारण रहा होगा कि गाय और सुअर की चर्बी पे 1857 की क्रांति हो गई? क्रांति का मतलब कि जनवरी 1857 के अंदर क्या हुआ, अंग्रेजों की जो सेना होती थी उसके अंदर हिंदू और मुस्लिम दोनों ही सिपाही थे। तो जनवरी 1857 के अंदर क्या हुआ कि सैनिकों को नई एनफील्ड राइफल्स दी गई। उन राइफल्स के अंदर क्या था, जो बारूद आते थे उसका बारूद का जो कवर होता था वो चर्बी का बना होता था, उसके ऊपर चर्बी थी। चर्बी किसकी थी? गाय की भी थी और सुअर की भी थी। तो गाय जैसा कि हिंदुओं के लिए आपको पता है पवित्र होती है, माता मानते हैं गाय को हिंदू धर्म के अंदर, और सुअर मुस्लिम धर्म के अंदर इसको देखना भी गुनाह माना जाता है, यानी बहुत ज़्यादा अपवित्र मानते हैं। तो गाय और सुअर की जो चर्बी होती थी ये कारतूस के अंदर मिली होती थी और उस कारतूस को मुंह से खोलना पड़ता था। तो हिंदू और मुस्लिम दोनों ने इसलिए बगावत की थी कि आप इस साजिश के कारण, इस धंधे के कारण हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहे हो और ऐसा हम नहीं करेंगे। तो 28 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने इस क्रांति की एक ज्वाला छेड़ दी थी और ये क्रांति जो है पूरे भारतवर्ष के अंदर छिड़ गई थी। तो इतना ही था कि गाय और सुअर की चर्बी इसका मुख्य कारण था और तात्कालिक कारण इसका सैनिक कारण।